मैं सोच रही थी हमारे फ्लैग के बारे में. 15 अगस्त आ रहा है, सब जगह हमको हमारे फ्लैग्स दिख रहे हैं. तो मेरे पास अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे 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 अंदर आ रहे थे कि व्हिच टाइप क्वेश्चंस, हमारे फ्लैग को तिरंगा क्यों बोला गया है, क्या इसका साइज एक ही जैसा होना चाहिए, किसने बनाया, किसके दिमाग में ये चीज़ आई, और क्या एक ही बार में ये फाइनलाइज हो गया, या फिर ये सारे क्वेश्चंस, या फिर बहुत सारे पहले रिजेक्ट हुए हैं, या क्या हुआ है, और बीच में चक्र क्यों है, और उसमें 24 स्टिक्स क्यों है. मतलब हर चीज़ का कोई ना कोई लॉजिक तो होगा ना. बिल्कुल, बिना लॉजिक तो अपन ने कुछ ऐसे ही पुट नहीं कर दिया. नो, और भाई वो तीन कलर ही क्यों लिए गए, वो ट्राई कलर ही क्यों कहलाया गया है, तीन कलर्स ही क्यों लिए गए, दूसरे कलर्स क्यों नहीं, पिंक. यस, बिल्कुल, हम दूसरे कलर्स ले सकते थे, राइट. तो ये सब, मतलब ये सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में चल रहे हैं, और 15 अगस्त आ रहा है तो वो तो और सामने दिख रहे हैं फ्लैग्स. तो मेरे माइंड में बस वो फ्लैग देखने के बाद वही चीज़ आ रही कि ऐसा क्यों और किसने बनाया है. ओके ओके प्रियंका मैम, रिलैक्स रिलैक्स. ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पुट कर दिए अभिलाषा मैम पे, तो आंसर्स तो एक एक करके मिलेंगे सारे क्वेश्चंस के आपको. ओके ओके, बट गुड कि आपने सोचा, क्योंकि हमें वाकई थिंकिंग करने की ज़रूरत है. वी आर इंडियंस, इंडियंस है हमारा फ्लैग है, या जो भी चीज़ें हैं, तो हमें पता होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए. बिल्कुल, कि अगर हमसे कभी कोई अदर कंट्रीज़ के पूछते हैं कि भाई आपके फ्लैग का साइज़ और समथिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उन्हें प्राउडली बता पाएं. बिल्कुल. तो ठीक है, आपके इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो आज आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे. वाओ, अभिलाषा मैम देने वाली हैं. मतलब तो इतनी जल्दी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. वाओ, क्योंकि आई थिंक अगर आप इतना सोच रहे हैं, तो और भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें आई थिंक हो सकता है शायद नॉलेज ना हो, या हो, जो भी है. तो ठीक है, चलते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो रेडी हूँ. चलिए बिल्कुल, चलिए आपको बताते हैं आंसर्स. इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडियन फ्लैग. What is the color of our national flag? At the top we have saffron, in the middle we have white, and at the bottom green. Saffron indicates strength and courage. White indicates peace and truth. Green indicates growth and fertility. Ashok Chakra have 24 equally spaced spokes. The Indian flag was made by Sri Pingali Venkaya, a freedom fighter and a farmer. The Indian flag was adopted on 22nd July 1947 and it got changed 6 times before this date. The size of Indian flag is 3:2 in proportion, 6:4 in feet. And why it is known as tricolor? Because Tiranga means three colors. ओके प्रियंका मैम, आपके जितने क्वेश्चन थे, जो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, उनके आंसर्स मिले आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सारे आंसर्स मिल गए हैं. नाउ आई एम सेटिस्फाइड, और अब मुझसे कोई भी पूछेगा तो मैं आंसर दे सकती हूँ. क्लियर हो गए आपको सारी चीजें, जो इतने सारे क्वेश्चन थे. प्राउड इंडियन. यस, वी आर इंडियंस. तो वी आर थिंकिंग, प्रियंका मैम के क्वेश्चन तो क्लियर हुए साथ में हमने जो किया, और आपके क्वेश्चंस क्लियर हुए? यस, मेरे ख्याल से तो हो गए होंगे. मैं आपके बिहाफ में बोल देती हूँ, यस अभिलाषा मैम, हमारे क्वेश्चंस, हमारी जो क्वेश्चंस और क्वेरीज थी वो क्लियर हो गई हैं. ओके, थैंक यू कि जो समझाना चाहते थे हम आपको, वो आप समझ गए बहुत अच्छे से. और इस फ्लैग की नॉलेज हमें होनी चाहिए. यस, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड ये इंडियन फ्लैग है. ओके, तो सल्यूट हमारे इंडियन फ्लैग को. ओके, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक. ओके, तब तक के लिए तो जो भी आपको सिखाया है, जो चीज़ें आपको बताई हैं फ्लैग के बारे में, प्लीज़ उसे आप लर्न कीजिए.
कीजिए. ओके, लर्न करने के साथ दूसरों को भी बताइए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स. उससे क्या होगा, आपको लर्न भी होंगी चीजें, और अगर उन्हें नहीं पता होगा तो उन्हें भी आप बता सकते हैं. ओके, क्योंकि इसकी नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए. ओके, चलिए, बाय, टेक केयर, बाय बाय.